हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं और इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ओ लेवल्स बायोलॉजी, मैट्रिकुलेशन, नीट और इन सब के एग्जाम्स के लिए नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप उन क्वेश्चन को कैसे आसानी से आंसर कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नेचुरल सिलेक्शन देखो बेटे, सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन की बात करने से पहले मैं आपको म्यूटेशन के बारे में बताऊंगा और म्यूटेशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक आइलैंड की एग्जांपल दूंगा। आपको इमेजिन करना है कि एक बहुत बड़ा जजीरा है जहां पर रैबिट्स हैं और इन रैबिट्स का कलर है ब्लैक। इस जजीरे के ऊपर जहाँ और बहुत सारी पॉपुलेशन पाई जाती है वहां पर काले रंग के या डार्क ब्राउन रंग के खरगोशों की पॉपुलेशन पाई जाती है। यहाँ पर रैंडम म्यूटेशन होती है। आप जैसे कि जानते हैं म्यूटेशन हमेशा रैंडम हुआ करती है। रैंडम म्यूटेशन आई और इस रैंडम म्यूटेशन के नतीजे में यहां पर एल्बिनो यानी वाइट खरगोश भी आना शुरू हो गए। तो इस पॉपुलेशन में अब हमें कहीं कहीं वाइट खरगोश भी नजर आना शुरू हो जाते हैं। आप अज्यूम कर लीजिए कि वाइट खरगोश रिसेसिव हैं मगर इस पॉपुलेशन में ये एलील मैक्सिमाइज हो गया है, ये एलील यहाँ पर मौजूद है और इस पॉपुलेशन में ब्लैक खरगोश भी मिल रहे हैं और व्हाइट खरगोश भी मिल रहे हैं। मैथ में इतना कुछ अज्यूम करते हो, थोड़ा सा बारह में भी अज्यूम कर लो। फर्ज करो एक बहुत बड़ा जलजला आया और ये आइलैंड जो है ये इसके दो टुकड़े हो गए, ये सेपरेट हो गया। इस आइलैंड का एक टुकड़ा एक पार्ट एक ऐसे इलाके में चले गया जहां पर स्नो होती है और दूसरा पार्ट ऐसे इलाके में चले गया जहां पे थिक रेन फॉरेस्ट है। अब कई साइंसदान सोचेंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है रेन फॉरेस्ट में। भाई फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अज्यूम करना है ना, अज्यूम कर लो राइट। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर स्नो वाले एरिया के अंदर हमारे पास यहां व्हाइट खरगोश भी है और ब्लैक खरगोश भी है, जो यहाँ के प्रीडेटर्स होंगे उनको कौन सा खरगोश ज्यादा विजिबल नजर आएगा? उनको डार्क कलर के खरगोश ज्यादा नजर आएंगे, लिहाजा डार्क वाले खरगोश पहले शिकार होना शुरू हो जाएंगे, मरना शुरू हो जाएंगे, पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगेगा और जो व्हाइट वाले खरगोश है उनको हाइड आउट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हाइड आउट। इनको ये हाइड आउट मिल जाना इनकी अडेप्टेशन है। इनकी अडेप्टेशन है और आप सब लोग जानते हैं कि अडेप्टेशन, जिस ऑर्गेनिज्म की अडेप्टेशन जितनी ज्यादा हो उसका उतना अच्छा सर्वाइवल होता है। अब यहां से आपको यह पता चल जाएगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसे कहते हैं। सबसे फिट वो है जो सबसे ज्यादा अडेप्टिव है और सबसे ज्यादा अडेप्टिव वो है जिसको नेचर सपोर्ट कर रही हो, जिसको नेचर सपोर्ट कर रही हो। यहां पर काले वाले खरगोश बर्फ पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होने लगे जिसकी वजह से वो बेचारे यहां पर मरने लगे और नेचर ने यहां सर्वाइवल के लिए किसको सेलेक्ट किया? नेचर ने वाइट खरगोशों को सेलेक्ट किया कि वो यहां पर सर्वाइव करें। ये नेचर की सिलेक्शन है, यही नेचुरल सिलेक्शन है और नेचुरल सिलेक्शन में याद रखना हमेशा फायदा नेचर का होता है और नेचर का फायदा यह है कि स्पीशीज सर्वाइव करे। इसीलिए स्पीशी किसी भी गिवन कंडीशन में बेस्ट अडेप्टिव जानवरों को जिंदा रखती है और जिनकी पूर अडेप्टेशन होती है उनको खचाखच मार देती है। ये नेचुरल सिलेक्शन होती है। दूसरी जानिब यहां देखो, यहां पर भी हमारे पास दोनों कलर के खरगोशों की पॉपुलेशन थी मगर ये है क्या, ये थिक रेन फॉरेस्ट है और तुम जानते हो कि रेन फॉरेस्ट के अंदर जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा डार्क होता है और वहां नीचे जो बेस होती है वहां पर पत्तों के ढेर लगे हुए होते हैं। बताओ पत्तों का ढेर है और घना जंगल है, वहां व्हाइट खरगोश तो दूर से ही चमकता हुआ नजर आ जाएगा, लिहाजा यहाँ के प्रीडेटर्स व्हाइट खरगोशों को शिकार करने लगेंगे, व्हाइट खरगोशों को शिकार करने लगेंगे और ब्लैक या ब्राउन कलर के खरगोश यहाँ बेहतर अडेप्ट कर रहे होंगे। सो वही नेचर जो बर्फानी इलाके में व्हाइट खरगोश को सर्वाइव करवा रही है, वही नेचर डार्क एनवायरनमेंट के अंदर डार्क खरगोश को, आप डेजर्ट के खरगोश देख लो, डेजर्ट को जरा इमेजिन करो, वहां सांप भी आपको ब्राउन नजर आएगा, वहां उल्लू भी आपको ब्राउन नजर आएगा, वहां फॉक्स भी आपको ब्राउन नजर आएगी, वहां पर आपको जो रैबिट्स हैं वो भी ब्राउन नजर आएंगे, वहां डेजर्ट के जो हिरन है वो भी आपको ब्राउन नजर आएंगे।
क्योंकि ये सब ब्राउन होंगे तभी वहां पर अडेप्ट करेंगे। कैमल का कलर भी बाय द वे ब्राउन होता है, राइट। अच्छा, ये तो हमने आपको एग्जांपल्स बता दी, एक एग्जांपल बताई खरगोशों की, नेचुरल सिलेक्शन की। इसकी कुछ और एग्जांपल आपको ज़हन में रखनी है, और एक और एग्जांपल है रेजिस्टेंट मॉस्किटोज, और दूसरी एग्जांपल है इसकी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। आप देखते हो कि जब भी आप कोई भी कॉइल लेके आते हो, कोई भी स्प्रे लेके आते हो, उस पर लिखा होता है पहले से भी ज्यादा विशालकारी, पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली, पहले से भी ज्यादा पावरफुल। वो क्यों कहते हैं? बिकॉज जब आप एक गिवन पॉपुलेशन के अंदर एक खास स्प्रे स्प्रे करते रहते हो, कुछ मच्छर वहां पर रैंडम म्यूटेशन की वजह से उनके अंदर ऐसे जीन्स आ जाते हैं, रैंडम म्यूटेशन आ जाती है कि उन पर वो वाला स्प्रे असर नहीं कर रहा होता। आप वो स्प्रे करते जा रहे हो, पॉपुलेशन में वो स्प्रे मिल रहा है, दो तीन साल के बाद वो सारे के सारे सर्वाइवर मच्छर जो स्प्रे से नहीं मर रहे थे, जब वो अपने बच्चे पैदा करेंगे तो पूरी पॉपुलेशन ऑफ मच्छर वो होगी जो आपके पिछले स्प्रे से नहीं मर रहे। इसलिए आपको अपने फॉर्मूला को इम्प्रूव करना पड़ता है। इसकी लास्ट एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक दी और कहा कि आपको 5 दिन खाना है और LD मेंटेन करनी है, लीथल डोज मेंटेन करनी है। आप नहीं करते, आप 3 दिन के बाद छोड़ देते हो, 3 दिन के बाद आप एंटीबायोटिक खाना छोड़ देते हो। आपकी बॉडी के अंदर लीथल डोज कम हुई, कुछ बैक्टीरिया जिनमें रैंडम म्यूटेशन आ रही थी उस एंटीबायोटिक से लड़ने की उनके अंदर क्षमता पैदा हो रही थी, कैपेसिटी पैदा हो रही थी, उन्होंने क्या किया, वो सर्वाइव कर गए और उन्होंने अपने प्लाज्मिड्स एक दूसरे को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रांसफर करने शुरू कर दिए। अब वहां पर आपकी बॉडी में रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बच गए और जो वल्नरेबल थे वो मर गए। चंद दिनों के बाद जब वो इन्फेक्शन आपको दोबारा बीमार करेगी तो पिछली एंटीबायोटिक उन पर असर नहीं करेगी। नेचर ने बैक्टीरिया को रैंडमली म्यूटेटेड बैक्टीरिया को सिलेक्ट किया कि वो आपको बीमार करे, बैक्टीरिया को सर्वाइव करवाया। नेचर ने मॉस्किटोज को सर्वाइव करवाया क्योंकि फूड चेन को चलाना है, और नेचर ने यहाँ पर इन रैबिट्स को जो कि बेस्ट अडेप्टिव थे उनको सर्वाइव करवाया। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड फिटेस्ट वो है जो बेस्ट अडेप्टिव है, एंड दिस इज नेचर की सिलेक्शन, दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। अभी एक और लेक्चर अपलोड करूंगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन का, और उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके सॉल्व करते हुए। आप उन क्वेश्चंस को जरूर देखना ताकि आपको पता चल जाए कि 5 पेपर्स में आपको क्या क्या चीजें सॉल्व करनी है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और घंटी का बटन जरूर दबा लो, ठीक है। हमेशा खुश रहो, बाय बाय।